नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 11 फरवरी 2024 को शनि रात्रि 11:45 पर पश्चिम दिशा में अस्त होने जा रहे हैं। वह यह शनि 16 मार्च को पूर्व दिशा में रात्रि 9:41 पर उदय होंगे, तो पूरे 35 दिन अस्त शनि तुला राशि वाले जातकों पर कैसा प्रभाव देगा। देखिए, यदि हम तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न में जो शनि है वो आपके सुखेश व पंचमेश हैं। तो अब बात आती है कि क्या जो शनि अस्त हो रहा है उसका सभी जातकों पर एक जैसा प्रभाव पड़ेगा? नहीं। पहली बात यह आती है कि हमारी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। यदि शनि गड्ढा स्थानों में यानी कि 6, 8, 12 इन स्थानों में बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, या फिर शनि मेष राशि में अस्त का है, तो ऐसे में जो शनि अस्त होने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों पर बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। साथ ही यदि शनि किसी भी प्रकार से पीड़ित है आपकी कुंडली में तो भी शनि अच्छा प्रभाव देंगे अस्त होने पर। परंतु यदि कुंडली में शनि बलवान है या शनि उचके होकर बैठे हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है, तो शनि के अस्त होने पर कुछ दुष्ट परिणाम आप लोगों को प्राप्त होंगे। तो बात करते हैं कि जब तुला लग्न में शनि सुखेश हैं, पंचमेश है, और ऐसे में आपकी कुंडली में भी शनि अच्छी स्थिति में है, और अब जब 11 फरवरी 2024 को शनि 35 दिन के लिए अस्त हो जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले सुख में कमी करेंगे। सुख में कमी करने का अर्थ निश्चित है कि भौतिक संसाधन आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी कमजोरी आएगी, विलंब बनेगा। जहाँ से पैसा प्राप्त होना था उसमें किसी भी प्रकार का डिले आपको देखने में मिलेगा। माता से थोड़ी सी दूरी बढ़ेगी। साथ ही यदि माता जी की बात करें तो उनके स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा कुप्रभाव पड़ेगा, तो आप लोगों को उनके स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान देना है। यदि आप कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं या ज़मीन बेचना चाह रहे हैं तो उस कार्य में भी थोड़ा सा विलम्ब बनता नजर आ रहा है। यदि आप कोई कार्य मकान भवन कंस्ट्रक्ट कराना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि बेवजह किसी भी कारण से विलंबता प्राप्त हो रही है, काम समय पे नहीं होगा। यदि हम वाहन की बात करें तो वाहन पर भी अनचाहे खर्चे होंगे। इधर संतान को लेकर भी थोड़ी सी मन में चिंता बनेगी। संतान का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम रहेगा, संतान की तरफ से अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। यदि आप साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं तो निश्चित है कि उस साझेदारी में आपको इस समय 35 दिनों में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त नहीं होगा। साथ ही यदि प्रेम प्रसंग की बात करूं तो थोड़ा सा प्रेम प्रसंगों में भी अलगाव आएंगे। यदि मैं बात करूं पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग के लिए, तो पैतृक संपत्ति यदि प्राप्त होने जा रही है तो उसमें भी कुछ विलंबता आएगी। इन 35 दिनों में आप देखेंगे मनचाहा परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यदि कोई भी आप नया कार्य आरंभ करना चाह रहे हैं तो फिलहाल 35 दिन के लिए रुक जाए, क्योंकि इस समय में बेवजह अनचाहे विलंबता को आप प्राप्त करेंगे और काम में देरी होगी। साथ ही यदि मैं बात करूं आर्थिक लाभ के बारे में, तो आर्थिक लाभ भी थोड़ा सा कम नज़र होता नज़र आ रहा है। यदि आप पहले 100% पर थे तो अब मान के चलो कि इस समय आपको 40-50-60% अधिकतम आय प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में भी समरसता कम हो जाएगी। थोड़ा सा लड़ाई झगड़े, आपसी कलह, मतभेद, मनभेद की स्थिति बनेगी। यदि कोर्ट में कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उसमें भी इन दिनों में विशेष सफलता प्राप्त होती नज़र नहीं आ रही। ये बात है उन जातकों के लिए जिनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। परंतु यदि कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये 35 दिन आप लोगों के लिए वरदान बनते नजर आएंगे। इसमें वो सभी कार्य होंगे इसके विपरीत, यानी कि
आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और सभी कार्य बनते नजर आएंगे। देखिए एक छोटा सा उपाय बताते हैं आपको कि क्या करना चाहिए कि इन 35 दिनों में आप लोग परेशान ना हो। तो शनिवार के दिन एक मुट्ठी जौ, काले तिल, गुड़, कच्चा सरसों का तेल एक कुल्हड़ में लेकर आप शनिदेव महाराज को सूर्यास्त होने के बाद भोग स्वरूप दें। शनि मंदिर जाएं और यह सभी चीज़ें इकट्ठी करके प्रसाद के तौर पर प्रभु को दें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बचाएं, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। और ऐसा आप 5 शनिवार भी कर देते हैं तो आपको अच्छा फायदा होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी शनि का अस्त होना कोई बहुत विशेष अच्छा नहीं कहा जा सकता। साथ ही रियल इस्टेट के वर्ग में जुड़े हुए लोगों को भी, नेटवर्किंग से जुड़े लोगों को, स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को विशेष फायदा इन दिनों में नहीं प्राप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति शनि से संबंधित कार्य कर रहा है तो वहाँ भी वह अपने कार्य में निम्न प्रकार की अड़चनों को प्राप्त करेगा। खैर 35 दिन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये भी संभल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि अब हम सतर्क हो गए हैं, आने वाले वक्त को जान चुके हैं। यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने संपर्क सूत्र दिया है, आप एक छोटा सा शुल्क अदा करके यह सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूँ। अपना बड़ा कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम। ईश्वर की असीम कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।